सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारियां कर रहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के यूपीएससी आवेदकों के लिए हिमाचल प्रदेश में इस बार दो केंद्र बनाए हैं। जानकारी के मुताबिक सिविल सर्विसेज प्री और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज प्री की परीक्षा 5 जून को देश भर में संचालित की जाएगी। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने दी। देखिए, जो यूपीएससी के लिए पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ जो शिमला एक सेंटर जो है वो बनाया गया था, और इसमें अपना प्राइमरीली जो जितने भी हमारे बच्चे थे कांगड़ा जोन के, उनको शिमला जाके या आसपास के सेंटर्स चंडीगढ़ जाके अपना सेंटर भरना पड़ता था, जिससे कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस कॉज होती थी। और इस बार जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये मैटर यूपीएससी के साथ टेकअप किया था, क्योंकि यहाँ से भी बहुत प्रत्याशी हैं जो प्रतिवर्ष जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो देते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर यूपीएससी ने हामी भरी है और यहाँ पर इस बार धर्मशाला के अंदर भी जो यूपीएससी का सेंटर है उसको बनाया जा रहा है। और जो 5 जून 2022 को एग्ज़ाम होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो धर्मशाला के अंदर ही होगा, और हमने लगभग 5000 कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कराने की यहाँ पे जो प्रपोजल है यूपीएससी को सबमिट की है। और डेफिनेटली जो यहाँ के बच्चे हैं, जो प्रत्याशी हैं यूपीएससी के, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वो घर पे बैठे ही अपना यहाँ पे नियर बाय एग्ज़ाम दे पाएंगे, और जो कन्वीनियंस है और एक जो दिक्कतें होती हैं उनको, उससे अपना उनको छुटकारा मिलेगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।